नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,53,00,000 से ज्यादा हो गया। 7,70,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 22,92,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। स्वीडन और डेनमार्क ने देश में संक्रमण रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए थे। अब दोनों देश वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। दोनों ही देश कुछ महीनों में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट बनाने की योजना पर काम करने वाली है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो धरती से करीब 23 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंगल पर इंसान 3 महीने में पहुंच सकता है। वर्तमान में मंगल तक पहुंचने में मानव रहित रॉकेट 7 महीने का वक्त लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका और दामाद जेरेड कुश्नर की संपत्ति बीते साल में करीब 20% घटी है। इवांका जेरेड ने 2020 और 2021 के पहले 20 दिन के लिए अपनी आमदनी 874 करोड़ रुपए के बीच बताई है। यह एक साल पहले करीब 1,100 करोड़ रुपए थी। 2,55,00,000 की आबादी वाला ऑस्ट्रेलिया एक तरफ कोरोना से उबरने में जुटा है, वहीं बढ़ते तापमान के कारण जंगलों में लगी आग ने मुसीबत बढ़ा दी है। यह आग लॉकडाउन का सामना कर रहे पर्थ में लगी है। इस आग से 25,000 एकड़ जंगल जल चुका है। 80 घर भी खाक हो चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई 8 फरवरी से शुरू की जाएगी। दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई का सामना करने वाले ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले राष्ट्रपति होंगे। महाभियोग के प्रबंधकों ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सीनेट के परीक्षण में गवाही देने के लिए कहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस शिव के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए ईएमएस न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।